हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरी यूट्यूब चैनल नेटफ्लिक्स HD में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 21 तारीख को ये मूवी रिलीज होगी जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। गाइस, पूरी जानकारी स्टूडियो में देने वाला हूँ क्योंकि गाइस ये मूवी ऑलरेडी बहुत टाइम से रिलीज़ होने के लिए तैयार है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आया, उसका नेम में चेंजेस आया, पूरी जानकारी स्टूडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि गाइस ऐसे ही मूवी से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। गाइस वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में बता दूँ, मशहूर वीर युवा सलमान खान की असली फिल्म की कहानी हम लेकर अभी यहाँ पे हमारे सामने पेश होने वाले हैं। गाइस, यह एक साउथ इंडियन मूवी फिल्म है जिसका नाम है वीरम, उसका रीमेक। गाइस, हम बात कर रहे हैं जिस पहले इस निर्देशक फरहाद सामजीन अभिनेता अक्षय कुमार के साथ बच्चन पांडे के नाम से बनाने वाले थे, लेकिन गाइस बाद में बच्चन पांडे की कहानी साउथ की ही एक और फिल्म जिसका नाम था जिगर ठंडा की लाइन पर चली गई और फरहाद सामजी को ने वीरम की कहानी कभी ईद कभी दिवाली के नाम से निर्माता साजिद नडियाद्वाला के साथ शुरू कर दी। इसी फिल्म का नाम बदलकर अब किसी का भाई किसी की जान रख दिया है। गैस, पहले साजिद के साथ यह निर्माता फिल्म किसी के साथ किसी का भाई किसी की जान निर्माता साजिद नडियाद्वाला ही बनाने वाले थे, लेकिन गैस सलमान की ने बाद में फिल्म को अपनी कंपनी सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाने का फैसला कर लिया। फिल्म के निर्देशक ने रूप के हम फरहाद सामजी का नाम कथित रहा। हालांकि यह बीच में खबर आई थी कि यह फरहाद सामजी भी हालिया रिलीज फिल्मों में बच्चन पांडे और पापा कौन का जो हसल हुआ है उसके चलते फिल्म में निर्देशक के रूप में भी सलमान खान अपना नाम डाल रहे हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस तो यह हमको 21 अप्रैल को ही पता चलने वाली है। जैसे यहाँ तीन छोटे भाइयों का बड़ा भाई यानी कि सलमान खान को अपने फैंस भाईजान के नाम से भी बुलाया जाता है, ऐसा इस मूवी में हमको ट्रेलर में देखा गया है। किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भाईजान बताते हैं कि फिल्म में राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और जस्सी गिल सलमान के छोटे भाइयों के किरदार में नजर आएंगे। वहीं पूजा हेगड़े सलमान की लव स्टंट के रूप में नजर आएगी। इस फिल्म में वेंकटेश दगवाली, शहनाज गिल, फ्लप तिवारी और अब्दुल रोजिक कलाकारों भी यहाँ पे हमको दिखने वाले हैं। गाइस आगे बात करें तो असल में जिंदगी का लगा तड़का यहाँ सलमान खान ने 57 वर्ष के हो गए हैं, इसमें अपने खुद की जिंदगी का तड़का लगा चुके हैं। फैंस को अक्सर उनकी शादी के बारे में पूछते रहते हैं, इसीलिए इस बारे में आपको बता दें कि अपनी असल जिंदगी तरह ये एक फिल्म को सलमान खान पारिवारिक बड़े भाई और उनके तीन छोटे भाइयों जो सलमान शादी को लेकर चिंतित रहते हैं। यहाँ अरबाज खान, सोहेल खान आए उनके बड़े भाई सलमान इस बाबले में पूरी बनाकर यही रखना चाहते हैं कि लोगों को यह फैमिली मूवी लगे, यानी कि उनकी रियल स्टोरी लगे, इस प्रकार हमको देखा जा रहा है। तो गाइस इस प्रकार इस मूवी को अगर आप देखना चाहें तो अभी आपको इंतज़ार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गाइस इसको बहुत इंतज़ार करवा लिया है हम लोगों को। यह मूवी ईद को यानी 21 अप्रैल को यह मूवी रिलीज़ होने जाने वाली है बड़े पर्दे पर, तो सलमान खान को फिर से आप देख सकते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा दे। नई मूवी और नई मूवी की इन्फॉर्मेशन लेकर हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक शुक्रिया, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।